sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show. So we'll have one espresso and one pancake on the rock, and we'll enjoy this view. बहुत सुंदर रहता है सनराइज यहाँ का. तो गाइज आप वो देख रहे हैं इधर, ये जो रूट है इस रूट से हम लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं. We have reached Rice Terrace. अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे और देखते हैं कैसा है. बहुत सुना है इसके बारे में और काफ़ी फेमस जगह है यहाँ बाली में, उबुद के पास में. एंड इसके बाद हम लोग बाली स्विंग भी करेंगे यहाँ पर, देखते हैं उसका भी इंस्टाग्राम का पिक्चर कैसे आता है. What is this? The entrance ticket is 50,000 per person. So you can take the picture also on our business like this. Okay. If you want to do the swing, the single swing like this, the price is 150 per person. Okay. So we have. You can just explain what is the package. I'm shy. Another question. Okay. Yeah. Okay. For the package is. The price is 250 per person. So you can do the single swing, double swing, family romantic swing, family swing also. And you can take the picture on our business. Like also, you get the dress also. Yeah. And this package, you get free dress already. Okay. Thank you. Thank you. So you saw, I have taken this package only for two. It is around 500K and it will be around. You can say 2600 Indian rupees. So for one time it is fine, just to get this view. Rice Terrace yahi hai kya? So this is the Rice Terrace that I was talking about, and this is the swing that we'll do. She will take us to, and we can have this. This is the dress. Okay, chalo Swati, excited? Very much. Very much. Finally, tumhara Instagram ka picture tumhe mil jayega. चलो जस्ट गो डाउन स्टेप्स. तो ये है बाली स्विंग, ये है राइस टेरेस, और अभी हम लोग जाने वाले हैं. स्वाति इज गोइंग फॉर बाली स्विंग. यस. अच्छा से बात स्वाति गेम में ऊपर चढ़ो 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 चाल भाई और भाई बहुत पीछे स्वाति गेट सेट रेडी. पीछे एक बार देखो स्वाति को, पीछे देखो, पीछे देखना. हां गुड. पीछे देखना, देखो पीछे, देखो पीछे, देखो पीछे, देखो. Hello. 3, 2, 1, 3. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you.
गाइस यहाँ पर हम लोग ये कर चुके हैं दोनों राइड, जो एक कपल का था और एक वो सिंगल बाली स्विंग था, और यहाँ पर हम लोग फोटोज खिंचा रहे थे। आपको 250 के में ये ऐसा एक ड्रेस मिलता है अगर कोई लड़की आ रही है आपके साथ, तो अच्छे पिक्चर्स आते हैं इसमें, तो वो भी सही है। चलो ठीक है, वन टाइम के लिए मतलब समझ लो तुम्हारा अराउंड 1500 रुपया कुछ लगता है पर पर्सन, 3000 दो लोग का, जस्ट फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स। क्या करें, आज का डेट में इंस्टाग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। सो ये राइस टेरेस है, ये स्विंग है, अभी हम लोग एक और स्विंग में जाएंगे। ये आप देख रहे हो इस तरह का स्विंग रहता है, ऐसा स्विंग रहता है। पीपल हियर आर रियली हेल्पफुल, वो लोग यहाँ पर आपको हेल्प भी करते हैं, आपके फ़ोटोज़ भी लेते हैं और फ़ोटोज़ अच्छे लेते हैं, तो जो पैसे आप दे रहे हो वो वर्थ इट है, बिकॉज यू डोंट नीड टू टेक टेंशन की कॉल लेगा फोटोग्राफ आपका, दे आर ट्रेंड फोटो। ओके चलो गाइज, ये मैं कवर करके अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो भी होगा माउंट बाटूर उसका मैं आपको डिटेल ब्लॉग दिखाऊँगा। सो यही है, इट इज़ अ गुड प्लेस, आई वुड रिकमेंड कि तुम यहाँ आप लोग यहाँ पर आओ और एक्सपीरियंस करो। यहाँ पर फोटोग्राफ्स अच्छे आते हैं, वेदर अगर अच्छा रहा तो और मज़ा आता है, जैसे आज का वेदर अच्छा है तो अच्छा लग रहा है हमें वैसे। चलो गाइस फिर मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे, तब तक मैं यहाँ पर जो जो फोटोग्राफ्स हैं वो क्लिक करता हूँ एंड विल अपडेट यू लेटर। Guys, we are done with the Bali swing and all the pictures that have been done. अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर से कुछ खाने के लिए, यहाँ पर में रेस्टोरेंट भी है, यहीं पर हम लोग कुछ खाएंगे एंड उसके बाद अगले डेस्टिनेशन जो है माउंट बाटूर वहाँ के लिए हम निकलेंगे। सो मिलते हैं सारी, हम भी आई एम हैविंग दिस fried noodles and chicken and egg, and the Swati is having this veg margarita pizza, her default option. So this one is nice, like better than what I had before. This one is properly cooked and it is having some flavor also and some spices also, but the stick I don't like, I mean it is flavorless. It is just, you know, chicken fried or mixed with barbecue sauce, that's it. So if you want to try, you can have this fried noodles with egg, this is worth it. And also if you want to go for pizza, you can go for it for food option, this is a good option you can opt for. Now this is done, rice terrace and Bali swing, and now we will go to Mount Bhaktur after this and coffee plantation. Let's see how we can, it's already 3 o'clock, we'll leave in around 10 minutes, we'll have whatever we can and Rash will pack and we'll move, have it in, on the way. And वापस जाते समय मैं आपको सारा details बताऊँगा itinerary के बारे में, also उसके बाद हमारा trip है मूसा फरीदा का, उसके बारे में बताऊँगा कि वो हमने कैसे किया हुआ है, तो ताकि आप जब भी यहाँ पर आओ आपको एक रीज़नेबल रेट में एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, मैं ये कोशिश करूँगा इसमें इस व्लॉग में। तो चलो मिलते हैं आपको अगले डेस्टिनेशन में। हमारी गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है, ये पेपर हिल्स जो कैफ़े है यहाँ पर हम लोग जाके
व्यू को एंजॉय करेंगे माउंट बाटूर का. Of harmony left me with the pieces of forever that you broke, but since you left me alone, I've been high. I've been high. This is the menu. You can see यहाँ पर आपको बहुत सारे वैरायटी मिल रहे जो हमें वहाँ पर नहीं मिला था आपका राइस टेरेस में और बाली स्विंग में. तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं कौन सा पैनकेक ऑन द रॉक एंड वी विल हैव सम कॉफ़ी 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 या दिस इज़ द कॉफ़ी. सो वी विल हैव वन एक्सप्रेसो एंड वन पैनकेक ऑन द रॉक एंड विल एन्जॉय दिस व्यू. This is beautiful. और वो जो लेक है लोग यहाँ से उतरते उस तरफ से आपका ट्रैकिंग करते हुए लोग यहाँ जाते हैं. वो अर्ली मॉर्निंग होता है यहाँ पर सनराइज बहुत अच्छा रहता है बहुत सुंदर रहता है सनराइज यहाँ का. तो अगर आप प्रॉपर माउंट बाटूर का टूर करना चाहते हो तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4-4:30 लोग आते हैं यहाँ पर और 5 o'clock जैसा सनराइज हो जाता है. तो इट्स बेटर कि आप सुबह भी आओ और अगर आपको सिर्फ व्यू लेना है और एंजॉय करना है यहाँ पर तो ये सही है. तो अभी मैं अपना पैन केक एंजॉय करूँगा और एक्सप्रेस चलो फिर. तो गाइज आप वो देख रहे हैं इधर ये जो रूट है इस रूट से हम लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं. अब वहाँ पर आप देखोगे एक लाइन सा दिख रहा होगा वहाँ से आपका ट्रैकिंग शुरू होता है माउंटेन का. आप जितना तक जा सकते हैं जाओगे वहाँ पर आप देख लोगे. कुछ लोग मेरे को दिख रहे हैं इसमें जूम नहीं हो रहा लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा लेकिन वहाँ. तो गाइज उस जगह से जहाँ पर आपको टेंट सा मेरे को दिख रहा है यहाँ से पता नहीं चल रहा उधर से ही आपका ट्रैकिंग शुरू होता है और यहाँ पर सनराइज का व्यू आप देख पाओगे. अगर आपके पास टाइम है काफ़ी लंबे टाइम तक आप बाली में हो तभी आप जाओ अदरवाइज देर आर बेटर मोर प्लेसेस टू विजिट. अब मैं कॉफ़ी पीऊँगा और इन्जॉय करूँगा व्यू. चलो गाइस केक एंड एवरीथिंग इज डन. अभी आप देख रहे हो यहाँ पर धूप कुहासा आ चुका है. सो ये आपका सारा व्यू अब ख़त्म हो चुका है तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू लीव नाउ. अब हम लोग जा रहे हैं 64 राइट वापस चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ. तो इस बार यार नहीं करूँगा मैं तभी गिरते गिरते बचा था. हेलो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग. दिस इज डे 4 फॉर अस एंड आज और कल हम लोग यहाँ पर उबुद में रहेंगे. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है नूसा पेनिदा आइलैंड वहाँ पर जाएंगे वहाँ पर भी हमारा बुकिंग है. तो आज का प्लान ये है हम लोग तीर्था गंगा जाएंगे और गेट ऑफ हेवन जहाँ पर जो कि काफ़ी फेमस स्पॉट है यहाँ पर आपका बाली में लोग वहाँ पर जाते हैं इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए. मोस्टली सभी जगह यहाँ पर लोग इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए ही जाते हैं. तो आज का जर्नी थोड़ा सा लंबा है अराउंड
27 किलोमीटर्स हम लोग को अभी ट्रैवल करना है, तो अभी बज गया है सुबह के 9, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी निकलने का ताकि हम लोग वहाँ जल्दी अपने डेस्टिनेशन पहुँच पाए और वो कवर करके हम लोग वापस यहाँ पर पिता गंगा के बाद हम लोग जाएंगे लैम्पुआंग, जो कि वही है गेट ऑफ हेवन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर वापस उवुद में आएंगे, उवुद मार्केट में, यहाँ पर शॉपिंग के लिए थोड़ा सा फेमस है। तो होटल्स के बारे में आपको मैंने डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ एंड मैं आपको लिंक भी दे दूँगा जहाँ से आप बुक कर सकते हो। मैंने सारे होटल्स बुक किए हैं अगोड़ा से, मेरे को बहुत अच्छे रेट्स मिले हैं उसमें कंपैरेटिवली। आप कोई भी वेबसाइट में देख लो, मेक माई ट्रिप में देख लो, आप वाइवीवो में देख लो, क्ले ट्रिप में देख लो, मेरे को सबसे बेस्ट रेट अगोड़ा का मिला। एंड इवन मैंने ट्रैवल एजेंट से भी बात की, मैंने कोटेशन मंगाए, आप खुद से प्लान करके आओ तो आपके लिए बहुत रीज़नेबल पड़ता है। मेरे को टोटल फ्लाइट का कॉस्ट जो पड़ा था फ्रॉम कोलकाता टू बाली, मैंने लिया था फ़्लाइट, मेरे को 44,000 में दो लोग का हो गया था आना जाने का। और फिर रांची टू कोलकाता मेरे को कुछ 12,000 पड़ा था दो लोग का, तो समझ लो कि टोटल कॉस्ट अराउंड आपका 58-60 तक आ जाता है आपका फ़्लाइट का कॉस्ट। ये हो गया फ़्लाइट का कॉस्ट। उसके बाद आपको होटल बुकिंग, तो डिपेंड्स ऑन कि आप किस पर्पज़ से आ रहे हो। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप कोई भी एक डीलक्स रूम ले सकते हो अच्छे होटल में, 4-5 स्टार में। और आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप पहले प्लान करते हो आपको वो 4-5 स्टार में आपको पर रूम पर नाइट का चार्ज अराउंड 2K से स्टार्ट होता है उसमें मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे को ग्रैंड एक्सोरा जो कि 4-स्टार होटल है जिसका अभी प्राइस कुछ 4,000-5,000 है पर नाइट, मैंने बुक किया था उसे 1,300 रुपये में। सो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसे बुक करोगे काफ़ी पहले तो आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये सारा कुछ मिल जाता है। तो ये बात हो गया आपका होटल्स का। बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेरे जो ये लैंड पैकेज जो मैंने लिया है जिनसे केटुट नाम है उनका, ठीक है, उनका मैं नंबर व्हाट्सएप नंबर जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ही इज़ वेरी काइंड एंड हम्बल गाय, ही विल हेल्प यू आउट इन मनी एक्सचेंज, जो भी आपको जो इशू हो सिम कार्ड सब कुछ के लिए वो आपको हेल्प कर देंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इवन आपको सजेस्ट करेंगे कहाँ पर आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलेगा। जैसे मैं कल गया था तेंगनून वाटरफॉल, वहाँ मुझे डॉलर का 14,850 मिला और डॉलर का गूगल प्राइस है 14,950 का डिफरेंस। सो सोचो ऐसा, मतलब उन्होंने ही एक्चुअली मेरे को सजेस्ट किया था कि वहाँ पर से ही लेने के लिए, तो मैंने मैंने $130 कुछ वहाँ चेंज कराया। मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा करा लेना चाहिए बिकॉज यहाँ पर काफ़ी महंगा है, ठीक है। चलो अब हम लोग निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ पर मैंने देखा कि जैसे कोटा में भी इंडियन रेस्टोरेंट्स है, आपका उबुद में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है। इनफैक्ट अभी जो मैं रिजॉर्ट पे रुका हूँ, यहाँ का जो रेस्टोरेंट है उसका ओनर भी इंडियन है, भावेश नाम है उसका, वो 4 साल से यहाँ पर है। उसने मेरे को बताया कि यहाँ पर काफ़ी इंडियन फूड का क्रेज़ है, एवरीवन लाइक्स है, बालिनीज़ फूड इज़ ऑल्सो गुड, हाय। सो बालिनीज़ फूड इज़ ऑल्सो गुड, इट इज़ यू नो यू कैन ट्राई सम इफ़ यू आर गेटिंग फ्रॉम अ राइट प्लेस, बट आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जैसा हम लोग को तो आदत है यार हर चीज़ में मसाला तड़का डाल के खाने का, तो हम लोग ऐसे ही खाते हैं। ऐसे होटल है, अगर होटल के बाहर से अगर कोई यहाँ पर से तो यहाँ पर आपको स्कूटी रेंट मिल जाता है और आपको यहाँ पर से कैब भी मिल जाता है। और चलो काफ़ी लेट हो गया आज, हम लोग निकलते हैं, लंबा जर्नी मिलते हैं कैसे। हे गाइस, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोग सुबह 9:30 में निकले थे, अभी 11:45 हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो चुके हैं और हम लोग अभी 20 मिनट दूरी पे है आपका गेट वे ऑफ हेवन के। काफ़ी दूर था आपको बुद्ध से, बट ठीक है, फॉर वन टाइम यू नो पिक्चर्स वी एवरी वन गो देयर, सो वी आर ऑल्सो गोइंग देयर। एंड आफ्टर दैट दिस गेट वे ऑफ हेवन लैम्पुआंग वी विल गो टू तीर्थ गंगा,
So you can see in the map it is showing is 9.4 किलोमीटर 21 मिनट और 12 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो होपफुली वहाँ पर क्यू ज़्यादा ना हो, क्योंकि वहाँ सबसे मेन इशू क्यू का ही होता है आपका। तो अगर क्यू आपका वहाँ पर कम रहा तो हम लोग जल्दी वहाँ से निकल पाएंगे। जो भी हमारा स्नैपशॉट, जो भी हमारा इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वगैरह जो हम लेंगे या फोटोग्राफी कराएंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे तीर्थ गंगा करने के बाद। होपफुली टुडे कुछ शॉपिंग कर पाएंगे एंड कल सुबह सुबह हमें निकलना है नूसा पेनिदा के लिए। सो नूसा पेनिदा में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि आप वहाँ पर ज़्यादा लगेज लेके नहीं जाएं। अगर आपके यहाँ पर कोई होटल बुक है जो कि नियर बाई सानूर है, तो आप उस होटल वाले को रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो वो आपके लगेज रख सकते हैं सिक्योरिटी में। अदरवाइज़ आप अपने कैब ड्राइवर को भी बोल सकते हो, वो भी अगर आपका पूरा फुल टाइम बुक्ड है तो वो आपका एक्स्ट्रा लगेज जो है बिग लगेज वो अपने गाड़ी में रख देगा, और आपको जब पिकअप करने आएगा देन यू कैन गो टू द अदर डेस्टिनेशन वेयर यू आर गोइंग। अगर आप वहाँ स्टे कर रहे हैं तो अगर आपका वन डे टूर है सेम गोज दैट टाइम ऑल्सो। हमारा जैसे वहाँ पर स्टे है तो हम लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा लगेज लेके नहीं जाए। हमने क्या किया, नूसा पेनिदा के लिए बोट फेरी बुक किया है और वहाँ पर हम लोग बोट से ही एक बाइक मोटर बाइक हमने रेंट किया है। सो फेरी का कॉस्ट कुछ हमें दो लोगों का आया है आपका 500,000 और आपका इसका मोटर बाइक का कॉस्ट आया है आपका 100,000 पर डे। तो हमारा दो मतलब दो दिन का रहेगा तो फिर उसका हो गया टोटल मिला के 700, जो कि इंडियन रुपये के हिसाब से 3,500 रुपये होते हैं। सो इट इज़ फेयर इनफ डील एज ऑफ नो। वहाँ पर हमने एक बुक किया है होटल सिमापो हिल्स करके, वो भी वहाँ का फेमस होटल है विद इंफिनिटी पूल। अदर ऑप्शन भी थे मेरे पास चीपर, बट मेरे को वो होटल अच्छा लगा, उसका अराउंड मेरे को 4,500 कुछ लगा था। वहाँ पर आपको 2,500 में भी होटल मिल जाएंगे, आपको 1,500 भी होटल मिल जाएंगे, बट जो व्यू और जो मेरे को अपने जो वहाँ पर पास में बीचेस है उसमें मेरे को ये सही लगा होटल, इसलिए मैंने ये बुक किया था। सो ये है आपका नूसा पेनिदा का जो ट्रिप कल होगा। अभी हम लोग फ़िलहाल गेटवे ऑफ हेवन जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और तीर्थ गंगा में जाके वो फिश को भी हम लोग वहाँ पर फिश को फीड करते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में।